कालसी वन प्रभाग की टीम ने विभाग के उप प्रभागीय वन अधिकारी RN पांडे की अगुवाई में सटीक सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए सैसपुर रेंज अंतर्गत विकास नगर के चक्राता रोड से 3 संदिग्धों को गिरफ्त में लिया है, जिनके पास से एक वृक्ष और एक शावक तेंदुए की खाल बरामद हुई है। उप प्रभागीय वन अधिकारी RN पांडे के मुताबिक गिरफ्त में आए तस्करों के संबंध अंतर्राष्ट्रीय तस्करों से होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि 2 तस्कर उत्तरकाशी के जखोल क्षेत्र के रहने वाले हैं, जबकि एक नेपाली मूल का तस्कर है, जिसके बारे में जांच पड़ताल जारी है। वहीं उन्होंने बताया कि तस्कर विकास नगर में खालों को बेचने आए थे, जिसको आगे भेजा जाना था, जिस पर कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को 2 खालों के साथ गिरफ्तार कर वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। वहीं इस प्रकरण में शामिल एक अन्य तस्कर की तलाश जारी है।